अभी हो रहा है पूरे वर्ल्ड में, इसका इतना मैं अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ कि सारी दुनिया को एक सेकंड के लिए रुक के पॉज लेके सोचना चाहिए कि हम भाई क्या कर रहे हैं, जहां से हमने शुरू किया था, जहां जाना चाह रहे थे, क्या वहां गए या कहीं और पहुंच गए, अब आगे कैसे जाना चाहिए। क्योंकि जितना भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है इस दुनिया में, आदमी को बहुत स्लोली हुआ है। जैसे पहिए तो चक्का जब बना उससे हमको साइकिल और स्कूटर और कार में आने में कई 100 साल हो लग गए, वहां से प्लेन में आने में हम लोगों को 50 साल लग गए, ठीक है, प्लेन से रॉकेट जाने में भी हमको 15-20 साल लगे। हर टेक्नोलॉजिकल जब रेवोल्यूशन आया तो हर चीज में हमको टाइम मिला, प्रोसेस, तो ह्यूमन माइंड प्रोसेस करता रहा, उसका धीरे 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 इवॉल्व होता रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इवॉल्व होती रही। पर जब से डिजिटल टेक्नोलॉजी आई है, ह्यूमन माइंड रेडी नहीं था इसके लिए, प्रिपेयर ही नहीं था कि दुनिया इतनी जल्दी बदल जाएगी, फैमिलीज बदल जाएंगी। अब जनरेशन गैप नहीं है, पूरा टेक्नोलॉजिकल गैप है। एक जो है वो है डिजिटल एज के लोग, एक है सारे एनालॉग एज के लोग, अतुल जैसे, राइट? नहीं सच्ची, तो ये चैलेंज है, इससे लड़ रहे हैं लोग। अब ये उनकी तरह बनना चाह रहे हैं और हर समय हम डिजिटल वालों को बोलते तो हमारी तरह बन जाओ। और दूसरा, इस दुनिया में इतनी ग्रीड बढ़ गई, इतनी ग्रीड बढ़ गई क्योंकि डिजिटल में इतना फास्ट हो गया सब। आज आइडिया आया, कल आपने ऐप बनाई, परसों आपने पैसे कमाने चालू कर दिए। और 17 से 18-20 साल के लड़के, 22 साल के ड्रॉप आउट्स, एवरीबॉडी इज बिकमिंग रिच। तो ग्रीड, जो लालच है ह्यूमन, वो इतना इंपॉर्टेंट हो गया इस दुनिया के लिए, इसके कारण डिस्पैरिटी इतनी बढ़ गई है। तो ये एक नेचुरल सिस्टम है, कहीं वही तो हमारे साथ लड़ाई नहीं लड़ रहा है। तो रुक के सबको, जैसे घर की सफाई करते हैं दिवाली में या ईद में या क्रिसमस पे, कारखाने बंद होते हैं उनकी भी ओवरहॉलिंग होती है, गाड़ियों को हम ओवरहॉलिंग के लिए भेजते हैं, इस पूरी दुनिया के कारोबार को, दिमागों के कारोबार को भी रुक के एक बार सोचने की जरूरत है। और अब होगा क्या, इससे इतनी हैबिट चेंज होंगी लोगों की, स्लोली होंगी, पता नहीं चलेगा। पर ये जो 15-20-25 दिन लोग सैनिटाइज्ड और जो क्वारंटाइन में हो रहे हैं सारे के सारे, इससे घर में बैठ के सब सोचेंगे। एक तो मियां बीवी को साथ में रहना पड़ेगा, वो नंबर वन चैलेंज है। दूसरा, बच्चों के साथ रहना पड़ेगा, वो चैलेंज है। तो ये सारे चैलेंज, दोस्त नहीं, कुछ नहीं, शराब नहीं, दुकानें बंद हो जाएंगी धीरे धीरे, एयरलाइंस बंद हो गई है, एक्टिविटी बंद, हाँ, स्टॉक अप करते रहो बस हर चीजों को। तो लोगों को समझ में आएगा कि संचय, सेविंग्स की क्या इंपॉर्टेंस है। लोगों को ये समझ में आएगा कि अच्छी हैबिट्स की, अच्छी हाइजीन की क्या जरूरत है। दूसरों को, सबसे ज्यादा लोगों को ये समझ में आएगा कि एक दूसरे के कोलैबोरेशन के बिना जिंदा रहना असंभव है। और चौथी, प्रकृति से लड़ाई लड़ना जो है वो बंद कर देना चाहिए, राइट? तो वो सबसे बड़ी बात है। तो बहुत सारी चीजें लोगों को समझ में आएंगी। हम लोगों को भी बैठ के सोचना चाहिए कि जो हम फिल्में बनाते हैं उनको लेके हमारी जिम्मेदारी क्या है। एक सोचने का वक्त आया है, क्या हम हर समय लोगों को डम डाउन करते रहेंगे। अब सोचो, अगर उल्टा सोचो, अगर पिछले 50 साल में या पिछले 20 साल में, मैं कहता हूँ जब से डिजिटल रेवोल्यूशन आया 2000 से लेकर अभी तक, जब फिल्मों की भी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अगर हम अपनी फिल्मों में ये लोगों को ये बताया होता कि ग्रीड कितनी बुरी चीज है, ओके? और ये ग्रीड, एक दूसरे से लड़ाई लड़ना, अगर इसके अलावा हमने अलग तरह की फिल्में बनाई होती एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, तो आज कितने सारे लोग जिनको एजुकेशन नहीं मिलता है, जो कॉलेज स्कूल में नहीं जा सकते हैं, जिनको अवेयरनेस नहीं है, हाइजीन के बारे में नहीं पता है, आज वो लोग कितने अवेयर होते और इस चुनौती से लड़ने के लिए कितनी हमारे पास ताकत होती। तो फिल्म मेकर्स, हम सब लोगों को, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को भी बैठ के पॉज लेके सोचने की जरूरत है। जिस तरह से हम अपनी फिल्मों में औरतों को ट्रीट करते हैं, कहते हैं हमने, हमारी फिल्म तो फैमिली फिल्म है, और हीरो उतरता और लड़की को यूं कर देता है स्पैंक, हम कहते हैं फैमिली फिल्म है, क्योंकि हमने इतना डम डाउन कर दिया है कि हमने ये मानना शुरू कर दिया ये बैठ के फैमिली के साथ देख सकते हैं, ओके? तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो वो दुनिया को समझ में आएगा। तो मैं तो इसको, आई एम लुकिंग एट इट लाइक एन अपॉर्चुनिटी। आप लोग की क्या राय, तुम्हारा क्या कहना, क्या होगा? तो आपने काफी कुछ इसमें पॉजिटिवली बात की, उसको फॉलो करें। आप क्या कहते हैं, आप क्या होगा? नहीं, सोचने वाली तो बात है कि मतलब एक ऐसी बीमारी जिसे पूरा वर्ल्ड टेक के बैठा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी की पूरी दुनिया मौत के बारे में सोच रही है, मतलब पहली बार हुआ है कि पूरी दुनिया मौत के बारे में सोच रही है। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो अपने आपको सुपर पावर्स समझते थे, आज उनकी सारी सुपर पावर्स मतलब नेचर से आप नहीं लड़ सकते, सोचना तो पड़े रहे। भविष्य में भी ऐसा हो सकता है, आज हुआ है, 10 साल के बाद भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये नेचुरल है या किसी की कारस्तानी है, ये तो आने वाला वक्त ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, सोचने वाली बात है।